हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं गाय बकरी सबको चराने लाया हूं। तो दोस्तों गाय बकरी चराने में बहुत ही एंजॉय लगता है क्योंकि हमको नेचर का ब्यूटी एंजॉय करने को मिलता है। तो गाय बकरी चराने में हमको लगता है एक डंडा, ये देखिए एक डंडा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना डंडे में गाय बकरियों को संभालना ही मुश्किल है। दोस्तों आप कभी भी गांव तरफ आएंगे तो गाय बकरी को चराने तरफ जाइएगा, बहुत ही एंजॉय लगता है। ये देखिए तो मौसम भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि दो दिन हुआ है बारिश हुआ था तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो ये गर्मी के सीज़न है दोस्तों। ये है मई की महीना, तो मई की महीना में आपको पता ही होगा कैसे धूप लगता है। तो धूप तो पड़ रहा है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि बारिश हुआ था, थोड़ा हवा भी ठंडा ठंडा आ रहा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया नेचर, हर तरफ ग्रीन ग्रीन है देखिए, क्योंकि बारिश हुआ था। अभी गाय बकरियों को भी थोड़ा खाने को मिल रहा है क्योंकि सब कुछ सूखा पड़ा था। तो दोस्तों हम जब बकरी को कहीं भाग रहा होता है तो हम उसको लिघुर बोलते हैं, और जब गाय या फिर बैल भाग रहा होता है तो उसको घुर बोलते हैं। तो इस तरह से हम बकरी और बैल गाय सबको कंट्रोल करते हैं दोस्तों। तो लिघुर बोलने से बकरी भी समझ जाते हैं और घुर बोलने से गाय बैल सब भी समझ जाते हैं। तो यही है हमारा गाय बकरी चराने का स्टाइल।
ध्रुवे ए फिर लिखोर ले 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 हाय कर कर घुर भाई घुर 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 भाई जाइ तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों क्योंकि अभी धूप ज़्यादा हो रही है और थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, तो इसीलिए आज की वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। वेट करिएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने तक, तब तक के लिए बाय बाय। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही गाँव के व्लॉग वीडियो आपको मिलते रहेंगे।